हेलो दोस्तों, स्टडी गाइड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और मैं हूं निशांत शर्मा। आज की वीडियो जो रहने वाली है वो रहने वाली है रेलवे एम्प्लॉयज को जो मिलती है लीव्स, जिसकी सबको बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो आज हम इस पोर्शन के अंदर टोटल मिला के 6 लीव्स को कवर करेंगे, जो यूजुअली उसमें से 2 या 3 लीव्स के बारे में सभी जानते होंगे। अगले वाले पोर्शन के अंदर हम बची हुई लीव्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्लाइड्स पे। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम 6 लीव डिस्कस करने वाले हैं पहले पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीव्स ऑन एवरेज पे, LHAP, कमिटेड लीव, लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और रिल, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं LAP। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीव ऑन एवरेज पे। आपने LAP के बारे में सुना भी होगा। टोटल मिला के साल के अंदर ये आपको 30 मिलती हैं, जिसमें से 15 जो है आपको 1 जनवरी को मिलेगी और 15 आपको 1 जुलाई को मिलती है। ये आप क्रेडिट कर सकते हो, बोल तो साल खत्म होने पे अगर आपके पास 30 में से जितनी भी बचती हैं वो अगले साल जो आपको 15 मिलेंगे उसमें ऐड हो जाएंगी। पूरे करियर के अंदर आप 300 क्रेडिट कर सकते हो। वो 300 का आपको इनकैशमेंट सबसे लास्ट में मिलेगा। 300 का मतलब 10 महीने की सैलरी होती है, वो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है। लेकिन जो बात ध्यान रखने वाली वो ये है कि मान लो आपके अभी रिटायरमेंट में 2-3 साल पड़े हैं और आपके अभी 300 कंप्लीट हो गई, तो क्या 315, 330 हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे ही अगर मान लो ये साल खत्म होने वाला है और आप तब तक आपके पास 310 लीव पड़ी हैं, अब अगले साल 15 और मिलने वाली हैं आपकी, तो जैसे ही 1 जनवरी आएगा तो वो 310 से ऑटोमेटिकली 300 हो जाएंगी और 1 जनवरी की 15 ऐड होकर 315, तो मैक्सिमम आपके अकाउंट में 315 लीव ही शो करेंगी। और आप इसको मैक्सिमम 180 दिन बोले तो 6 महीने के लिए एक साथ सैंक्शन करवा सकते हो। नेक्स्ट लीव जो रहेगी लीव ऑन एवरेज हाफ पे, ये रेलवे सर्वेंट को पूरे साल के अंदर 20 डेज मिलती है। ये भी 1 जनवरी को आपको 10 मिल जाती है, क्रेडिट हो जाती है आपके अकाउंट में, एंड 1 जुलाई को 10 क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने पे ही LHAP आपको मिलती है, एंड इसके यानी इकट्ठा करने पर कोई भी यानी कि लिमिट नहीं है, आप कितने भी यानी इसको कलेक्ट कर सकते हो। जो अगली लीव की बात करेंगे वो हमें कमिटेड लीव की, ये जो होती है मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो उसके अंदर आपको आप कमिटेड लीव अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो LHAP होता है बोलते वो कन्वर्ट होती है आपकी कमिटेड लीव में, लेकिन आपकी LHAP का मतलब हाफ डे होती है वो, तो 2 मिला के वो 1 छुट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अंदर आपको मैक्सिमम 180 डेज की LHAP मतलब मिल सकती है। वो आपको कब मिलेगी? वो भी तब मिलेगी जब आप कोई अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी करोगे जो एक पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो आपको बताना पड़ेगा, आपकी हायर अथॉरिटी अगर कंफर्टेबल होती है कि नहीं जो आप करने वाले हो वो एक पब्लिक इंटरेस्ट में है कोर्स, तो वो आपको मैक्सिमम 180 डेज के लिए आप दे सकते हैं, वो आपको सैंक्शन कर सकते हैं। एंड देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ डेज कमिटेड लीव टू बी अवेल्ड। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू आपको कब मिल सकती है? जब यानी कि आपके पास कोई लीव बची नहीं है, आपके पास LAP भी नहीं है एंड आपके पास LHAP भी नहीं है, तब आप इसको अवेल कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको खाली LHAP ही यानी कि मिलेगी। सपोज आपके पास कोई भी लीव नहीं है तो आपको LND मिल जाएगा, लेकिन जब भी यानी कि आपको LHAP यानी 1 जनवरी को सैंक्शन होगी तो फिर वो LHAP ही कटेगी, LAP नहीं कटेगी, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे पहले पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है LND सेल बी लिमिटेड टू द LHAP, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, LND ड्यूरिंग इंटायर सर्विस शैल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम 360 डेज ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट पे आपको मैक्सिमम 360 दिन तक ही आपको पूरे एंटायर सर्विस के अंदर LND मिल सकती है। LND शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट LHAP ही अर्न्स सब्सिक्वेंटली। यही बात जो मैंने आपको बताई थी, जब भी यानी LHAP आप अर्न करेंगे 1 जुलाई को या फिर 1 जनवरी को, तो फिर वो LHAP आपकी कट जाएगी। जो अगला लीव की हम बात करेंगे वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये लीव बेसिकली आपकी सिकनेस पे ही यूजुअली मिलती है, अदरवाइज ये सैंक्शन नहीं होती है। ये तभी मिलेगी व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल, या एम्प्लॉय खुद ये लिख के दे कि मेरे को EOL ही अप्लाई करनी है। अगर टेम्परेरी बोल तो आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर हो और मान लो खुदा ना खासा आपको TB, लेप्रोसिस या कैंसर ऐसी कुछ बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उस केस के अंदर आपको 3 महीने से 24 महीने तक की लीव ग्रांट होगी। और आप अगर परमानेंट एम्प्लॉय हो बोले तो आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया, देन नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन परमानेंट एम्प्लॉयज बट ऑल काइंड ऑफ लीव टुगेदर कैन नॉट एक्सीड 5 ईयर्स। बोले तो सारी छुट्टियां मिला के किसी भी टाइप की वो 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। जो 5 साल का रूल है उसको भी बाईपास किया जा सकता है अगर हमारे GM सर जो है वो उसको अप्रूवल देते हैं, तो उसमें उनको PCP और PFA प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर और प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर उन दोनों का अप्रूवल, अगर उनका अप्रूवल मिलता है कंक्रेंस लेके, वो आपकी छुट्टी को 5 साल से भी ज्यादा एडवांस कर सकते हैं। और जो 16 डेज फुल स्टाइपेंड लीव में भी ग्रांटेड एंड 12 डेज ऑन हाफ स्टाइपेंड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट में भी ग्रांटेड टू ASMs, PWA, IW और कमर्शियल क्लर्क। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिल, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, जिसको पहले IOD के नाम से जानते थे, लेकिन रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर RBA नंबर 64/2019
के अकॉर्डिंग इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, अब इसको रिल के नाम से जानते हैं। आईओडी पहले 554 के अंदर था एंड रिल अब 552 के अंदर है। एंड इसके अकॉर्डिंग यानी कि वर्किंग के दौरान अगर आपको चोट लग जाती है या फिर उससे यानी आपकी परफॉर्मेंस के अंदर कुछ इफेक्ट पड़ता है तो हम आईओडी क्लेम कर सकते हैं। एंड इसके अंदर क्या है, आरपीएफ के अलावा जो भी स्टाफ है वो फर्स्ट 6 मंथ तक तो उनको पूरी सैलरी मिलेगी पे प्लस में अलाउंस, एंड आफ्टर 6 मंथ 12 महीने तक उनको हाफ पे मिलेगा, लेकिन उस पीरियड को भी आप कमिट करा सकते हो। कमिटेड लीव जो हमने पहले बताया था, आप सिंपली वो अप्लाई करके उसको भी कमिट करा सकते हैं। नेक्स्ट है आरपीएफ स्टाफ के लिए पहले जो 6 महीने हैं वो फुल पे मिलेगा एंड अलाउंस भी मिलेगी, उसके आगे जो 24 महीने होंगे उसमें आपको फुल पे ही मिलेगा लेकिन अलाउंस नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, यानी कि जो भी आपका जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर एलएपी और एलएचपी क्रेडिट नहीं हुए आपके अकाउंट के अंदर जितने भी पीरियड में आपने रिल लिया है। जैसा आपको पता होगा कि आपको 1 महीने के अंदर 2.5 LAP मिलती हैं, तो मान लो अगर आप 3 महीने के लिए आप किसमें हो, आईओडी के अंदर हो बोलते रिल के अंदर हो, तो वो 3 महीने की जो एलएपी रहेंगी वो आपके क्रेडिट नहीं होंगी आपके अकाउंट में। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। हमने जो भी आपको बताया उससे रिलेटेड जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं रेलवे की वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हमने इस वीडियो में बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से आपको बताया, तो जो भी आपके डाउट हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर जाकर आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ सिंपली ज्वाइन कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड उसके बाद यानी अगर आपको और भी डाउट हो कि भाई लीव को कंबाइन कर सकते हैं किस तरीके से कंबाइन करना है, तो वो सारी चीजें आप हमारे कमेंट बॉक्स या फिर डिस्कशन बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने 6 लीव डिस्कस की है पहले पार्ट के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर 6 लीव और डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि स्टडी लीव हो गया, सीजीएल हो गया, मेटर्निटी लीव हो गई, चाइल्ड केयर लीव हो गई, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। एंड जरूर बताइए कि ये पार्ट आपको कैसा लगा, क्या आपके सारे भी डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए, कुछ ना कुछ पक्के डाउट होंगे वो आपको जरूर पूछना ही है। लीव ऐसी चीज है जो क्लियर कभी हो ही नहीं पाती है, यानी जो भी आपके जो ग्रुप बी के जो एग्जाम होगा, एपीओ का एग्जाम है, एओएम एग्जाम है, तो एक तरीके से आपका एस्टेब्लिशमेंट का सिलेबस चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हम वीडियो के एंड में डाल देंगे, हम डिस्क्राइब समझाएंगे नहीं, सिर्फ आंसर टिक करके वो डाल देंगे उसके अंदर, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी गिड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।